और अब देशहित में पांच बड़ी स्टोरीज और उनसे जुड़े सवाल। देश का 69वां गणतंत्र ऐतिहासिक भी था और बेहद दमदार भी। पूरी दुनिया की नजर आज देश के राजपथ पर थी, क्योंकि यही वो पथ था जहां से भारत 10 आसियान देशों के साथ कूटनीतिक दम दिखा रहा था और अपनी सैन्य ताकत। राजपथ से गणतंत्र भारत की बुलंद तस्वीर दिख रही थी। ये वो तस्वीर है जो पाकिस्तान और चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। तो सवाल यही है कि भारत की शक्ति, संस्कृति, कूटनीति के प्रदर्शन ने दुनिया को क्या संदेश दिया। आज राजपथ पर वो लम्हा भी दिखा जिसे एक बार फिर से साबित कर दिया कि अपने वतन के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हर शहीद के आगे देश के राष्ट्रपति हो या एक आम आदमी, सब नतमस्तक। आज शहीद के परिवार को सर्वोच्च सम्मान देते वक्त नम हुई राष्ट्रपति की आगे। लेकिन क्या इतने भर से हमारा गणतंत्र वतन पर मरने वालों का हक अदा कर पा रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और इस बात का जिक्र आज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वो दो मुल्क जो इस वक्त परमाणु पागलपन का अड्डा बने हुए थे, अब खेल के लिए ही सही लेकिन एक हो रहे हैं। दरअसल विंटर ओलंपिक्स के लिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया साथ साथ दिख रहे हैं। तो बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि क्या खेल के जरिए पड़ोसी देशों की दुश्मनी को दोस्ती में बदला जा सकता है? अच्छा, आज एक दिलचस्प खबर भी है आपके लिए। खबर ये है कि पहली बार तैयार किया गया है बंदर का क्लोन। बंदरों को वैसे हमारा पूर्वज भी कहा ही जाता है सर। और बायोलॉजिकली भी मानव और बंदरों की जो संरचना है उसमें बहुत समानता। यानी इसका मतलब ये है कि हम इंसानों की क्लोनिंग के एक कदम और नजदीक पहुंच चुके हैं। लेकिन ज्यादा गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या इंसान की क्लोनिंग हुई तो इसका गलत इस्तेमाल होने का क्या खतरा है? वाकई। लेकिन पांचवा सवाल 5 दिन बाद पेश होने वाले उस बजट से है जिसका सीधा वास्ता आपसे, आपकी पॉकेट से है। जी हाँ, यही वजह है हम ये खास बजट सीरीज लाए हैं जहाँ हम देश भर की होम मिनिस्टर से उनकी उम्मीद जान रहे हैं। और आज होम मिनिस्टर ममता सिंह हैं अपनी विश लिस्ट के साथ। देश के बजट से गृहिणियों को क्या उम्मीद है, सरकार पर उनका कितना एतबार है, ये आपको बताएंगे।